जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओडिशा प्रिय भाई ओ भवनी मान को मोर सादर नमस्कार। ओडिशा बीन माटी खोर्धा व ओडिया वीर मान को ओ ओडिशा स्वाभिमान पाइक विद्रोहर केंद्र बिंदु बरुणे पा देश प्रणाम जनाउची। पुण्य भूमि ओडिशा में 3 महीने में दूसरी बार आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि इस भूमि पर मुझे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के साथ साथ आप सभी का भी असीम स्नेह मिलता रहा है। साथियों, वीरता, शौर्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान की पवित्र मिट्टी खोर्धा के बरुणाई में आकर मैं धन्य हो गया हूं। पाइक विद्रोह के महान सेनानियों चक्रवर्ती सम्राट खारवेल के उत्तरदायक जय राजगुरु बक्सी जगबंधु माधव चंद्र राउत राय पिंडी की बाहु बलेंद्र कृतिवास पाठशाणी समेत सभी वीरों इस संघर्ष से जुड़े हर सेनानी को मैं नमन करता हूं। उत्कल जननी की संतान चाखी खुंटिया वीर सुरेंद्र साय माधो सिंह हाथी सिंह चक्रा बिशोई बाजी राउत लक्ष्मण नायक मधुबाबू गोपबंधु दास डॉक्टर हरेकृष्ण महताब कृष्ण चंद्र गजपति पवित्र मोहन प्रधान रमा देवी मालती देवी अन्नपूर्णा देवी और पार्वती गिरी समेत हर महान व्यक्तित्वों को मैं श्रद्धा पूर्वक सर झुका करके आदर पूर्वक नमन करता। साथियों, आज जब क्रांति की धरती पर खड़ा हूं तब मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पाइक क्रांति के 200 वर्ष पूरे होने पर आज भारत सरकार ने एक विशेष डाक टिकट और एक विशेष मूर्ति सिक्का जारी किया गया है। जिन चीजों को इतिहास में भुला दिया जाता था उसे हम देश की नई पीढ़ी के सामने लाने का हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। इसके साथ ही पाइक क्रांति के नायक बक्सी जगबंधु के नाम उत्कल यूनिवर्सिटी में चेयर की भी शुरुआत हुई है। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को संजोने के इस प्रयास के लिए भी मैं ओडिशा के जन जन को बधाई देता हूं। साथियों, आज सुबह ही मैंने हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में
₹100 का एक सिक्के को जारी किया। उस कार्यक्रम के बाद अब जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक बार फिर अटल जी को याद करना चाहता हूं। याद इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि ओडिशा के लोगों के प्रति अटल जी का विशेष लगाव रहा है। 25 दिसंबर कल उनकी जन्म जयंती भी है। भाइयों और बहनों, जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी तो ओडिशा के गांव गांव को सड़कों से जोड़ने का अभियान चला था। 20 साल पहले यहां जो चक्रवाती तूफान आया था उस दौरान अटल जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ काम किया उसको आज भी यहां के लोग याद करते हैं। साथियों, ओडिशा के विकास के लिए अटल जी ने जो काम शुरू किया था उसको भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गति भी दी है और उनका विस्तार भी किया है। विशेष तौर पर यहां कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क बिछाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, हाईवे, तेल गैस से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए के जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है वो इसी कड़ी का एक हिस्सा है। उड़ीसा के मेरे भाइयों बहनों, आज एक कार्यक्रम में 14,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट, आप कल्पना कर सकते हैं कि उड़ीसा की प्रगति के लिए भारत सरकार कितनी जागरूक है, कितनी प्रयासरत है, एक के बाद एक निर्णय कर रही है, गंभीरता पूर्वक काम को आगे बढ़ा जा रही है। गांव और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर पहले की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा राशि ओडिशा में खर्च की जा रही है। तेज गति से नए हाईवे बन रहे हैं, नई रेलवे लाइनें बिछ रही हैं और नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। 3 महीना पहले ही झारसुगड़ा में वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया। ओडिशा की करीब 35 लाख गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 4.5 वर्ष पहले यहां सिर्फ 20% परिवारों के पास गैस का कनेक्शन था, आज ये दायरा करीब 70% हो चुका है। आने वाले समय में यहां के हर व्यक्ति के पास गैस कनेक्शन हो इसके लिए केंद्र सरकार दिन रात कोशिश कर रही है। उड़ीसा के 19 जिलों में पाइपलाइन के माध्यम से सस्ती रसोई गैस देने का काम भी तेज गति से चल रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास कुछ समय पहले ही मुझे आज करने का मौका मिला। केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिशा उच्च शिक्षा का सेंटर भी बन रहा है।
आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईएम संबलपुर, आईसर ब्रह्मपुर जैसे संस्थान यहां के नौजवानों को नई ऊंचाई प्राप्त करने में मददगार बनेंगे। भुवनेश्वर में विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई। इसके अलावा आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित 90 से अधिक एकलव्य स्कूल खुलवाए जा रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक ऋण उड़ीसा के युवा उद्यमियों को दिए जा रहे चुके हैं। उड़ीसा में कोई भी गरीब बेघर न रहे, इसका प्रयास भी केंद्र सरकार निरंतर कर रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उससे क्यों नहीं जुड़ा है? अगर ओडिशा इस योजना से जुड़ जाता तो यहाँ के गरीब लोगों को भी देश भर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती। अगर ओडिशा का कोई नागरिक लखनऊ गया है, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अगर वो इस योजना का हिस्सा होता तो लखनऊ में भी मेरी अपनी बीमारी का उपाय कर सकता था, बिना पैसे कर सकता था। लेकिन वो ओडिशा के लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। ओडिशा में भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता, सैकड़ों नए अस्पताल खुलते, हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों को देश भर के बड़े बड़े अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। सिर्फ 100 दिन में, 100 दिन के भीतर भीतर ही देश भर के 6 लाख से ज्यादा गरीब बहन भाई जो 2-2, 3-3 साल से पीड़ित थे, पैसों के अभाव में उपचार नहीं करा पा रहे थे, उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया, 6 लाख मरीजों को फायदा हुआ। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है कि इसमें ओडिशा का एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ओडिशा सरकार इस योजना के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ओडिशा में आप जो नई व्यवस्था चाहते हैं, जिस दिशा में ओडिशा को ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आपके राज्य के लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 1 हेक्टर जमीन को सिंचाई से जोड़ा जाएगा, 10 लाख हेक्टर जमीन को, लेकिन मुझे बताया गया है कि काम सिर्फ 22,000 हेक्टर जमीन के लिए हुआ है। 10 लाख का वादा और निभाया सिर्फ 22,000। वो वादा था जो जमीनी सच्चाई है, उसका अंतर बहुत बड़ा है। साथियों, इसी अप्रोच की वजह से यहां कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं अनेक वर्षों से लटकी हुई है। स्थिति यह है कि उड़ीसा के 1/3 से भी अधिक ब्लॉक में करीब 70% जमीन सिंचाई की सुविधा से वंचित है। साथियों, हर नौजवान को जोड़ेगा, हर किसान को जोड़ेगा, हर माता बहनों को जोड़ेगा। आप उड़ीसा में ताकत पैदा करेंगे,
उड़ीसा का भाग्य बदलेंगे, उड़ीसा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हर तबके का भला करेंगे, हर इलाके का भला करेंगे, हर इंसान का भला करेंगे। अगर इतने सारे सपने हैं तो जगन्नाथ के आशीर्वाद भी आपके साथ है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इतने प्यार, इतने उत्साह, इतने उमंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए,